guys, welcome back to my channel. This is Athri here, and if you are coming for the very first time on my channel, hey, like I said, I am Athri. I make videos on fashion, lifestyle and beauty. So make sure to subscribe to my channel if you are coming here for the first time. So as from the title, you know, this one is going to be a bridal makeup kit. So I did a poll on my Instagram where I asked you guys, would you want to see a beginner makeup kit or a bridal makeup kit? And I think most of you guys have requested for a bridal makeup kit. Actually, the competition was quite a close, tough and competition, but finally bridal makeup kit won. So that's an yay for me, because I also wanted to shoot a bridal makeup kit. Because what happened, a friend of mine, she also asked me some bridal essentials. So then it clicked on my mind, why not make a bridal essential kit? Because I already have so many things with me, and because I am also going to be a bride-to-be, so that's why it's the perfect thing to show you guys whatever I have in my kit and whatever I will suggest you guys. So I hope you have subscribed it yet. Like, abhi tak aapne subscribe to kar diya hoga. To chalo fir phatafat se video mein chalte hain and dekhte hain ki main is kit mein kya kya include karti hu. मैं स्किन केयर नहीं ले रही हूँ, बिकॉज स्किन केयर क्या होता है, वो पर्टिकुलर होता है. एंड वट एवर यू आर यूजिंग एज योर स्किन केयर, मेक श्योर टू यूज दैट रेगुलरली बिफोर डूइंग योर मेकअप. सो लेट्स मूव टू नंबर वन, एंड विच इज़ अ गुड प्राइमर. हमें प्राइमर क्यों चाहिए होता है, बिकॉज वट एवर काइंड ऑफ मेकअप वी आर पुटिंग ऑन आर स्किन, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए. एंड ऑल्सो जब आप हमारे पोर्स होते हैं नोज के एरिया के पास, और कहीं पे भी अनइवन से थोड़ी स्किन होती है, तो उसको एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर देने के लिए वी यूज़ अ प्राइमर. तो ताकि जो फाउंडेशन है और जो बाकी सारा मेकअप है, दैट विल ग्लाइड ऑन वेरी इजीली ऑन योर स्किन. तो इसके लिए मेरे पास दो रिकमेंडेशन है ऑयली एंड ड्राई पीपल के लिए. अगर आप नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप से हो, तो आप ये दोनों ही यूज़ कर सकते हो. तो नंबर वन, जो आपको पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो मेरा जो सबसे फेवरेट वाला प्राइमर है, वो ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर. एक्चुअली ये ख़त्म होने वाला है, बट आई ऑलरेडी हैव अनदर ट्यूब विद मी. तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, अगर आपने कभी देखा नहीं होगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आता है, ये देखो, जो कि बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर देता है आपके स्किन में, एंड आपके स्किन को एक बहुत स्मूथ सा स्ट्रक्चर दे देता है, ताकि इसके ऊपर जब आप कोई मेकअप करो तो ये बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाए. ये तो हुआ प्राइमर जो कि कलर बार का है. कलर बार का जो प्राइमर है, अगर आप ऑयली हो तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये आपके एक्सेस ऑयल को भी सोक अप कर लेता है. एंड ड्राई ब्यूटीज़ के लिए मेरे पास है ये इंस्टाग्राम का ग्लोइंग गॉडेस प्राइमर ऑयल. एक्चुअली प्राइमर ऑयल क्या करता है, आपके अगेन वो बेस तो देता है, एंड अगर आपका ड्राई पैचेस है आपके फेस पे, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई फील करता है, तो ये उस फेस को बहुत अच्छे से इवन आउट कर देता है एंड हाइड्रेट करता है. तो और मैंने आज कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है अपने फेस पे, आई हैव जस्ट यूज्ड दिस वन, दिस प्राइमर ऑयल, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस फिनिश. आप कोई और भी प्राइमर ऑयल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इंस्टाग्राम का ही लो. पैक का प्राइमर ऑयल है, एंड ऐसे दो तीन कंपनीज और आ जाएंगे, आई जस्ट नो अबाउट द पैक, एंड सो दैट इज़ वाई ये काफ़ी अच्छा है. मतलब मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी. बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ. सो अ गुड बेस इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि आप मेरे हिसाब से आपका बेस जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, तो ताकि जो आगे आप मेकअप करो वो बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाए आपके फेस पे. एंड बेस मेकअप आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि यू इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन, बिकॉज इट इज़ द बेस मेकअप विच अल्टीमेटली शोज अप. बिकॉज इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, तो आपके पास लाइक बहुत सारे फंक्शंस होंगे जाने के लिए, या अगर आप सोच रहे हैं कि डी डे पे आप अपना मेकअप खुद करें, तो उसके लिए मेरे पास कुछ तीन ऑप्शंस हैं फाउंडेशन के, आई होप आपको वो पसंद आएंगे. फाउंडेशन चूज़ किए हैं ये अलग अलग प्राइस रेंज के हैं, जो कि अगर आपको कोई सा भी लेना है इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हो. तो वेरी फर्स्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो ये मैक का स्टूडियो फ्लूइड फाउंडेशन. अच्छा, तो ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन, इसका फॉर्मूला इज़ वेरी नाइस. एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट शेड आई एम, सो आई एम इन द शेड NC42. एक्चुअली आई वाज रियली कंफ्यूज बिटवीन 40 and 42, बट देन एट द स्टोर आई गॉट माई सेल्फ चेक्ड एंड शी द लेडी टोल्ड मी दैट NC42 विल सूट यू बेटर. सो दिस हैज़ अ वेरी नाइस यू नो लिक्विडी टेक्स्चर विच डोंट इवन मेक योर फेस केकी, और इसका लिक्विड टेक्स्चर ही है कि आपके फेस को बहुत अच्छे से फिनिश देता है. एंड इसके अंदर SPF भी है, ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी है.
तो इवन इफ यू यू कैन यूज इट इवन इन दी नाइट पार्टीज इज वेल, बट मेक श्योर करना कि आप इसके अंडर कोई SPF ना लगाओ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी SPF 15 है, तो इट मे गिव यू अ फ्लैश बैक. नेक्स्ट अप जो मैं दिखाने वाली हूँ, जो अलमेरा एक और फेवरेट फाउंडेशन है, वो है ये लॉरियल इनफॉलिबल 24 आवर फाउंडेशन. एंड ये भी एक टाइम पे दिस वॉज ऑल्सो मोस्ट रेव्ड अबाउट फाउंडेशन, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है ये. एंड इसकी जो है ना ये फुल कवरेज है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ. दिस कम्स विद अ पम्प, मैक वाला डज नॉट कम विद अ पम्प, इवन दो वो इतना एक्सपेंसिव है. मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ज़्यादा रनी नहीं है बिल्कुल भी, बट दिस हैज़ अ फुल कवरेज. लाइक फुल कवरेज समझते हो ना, फुल कवरेज है, सारे इनपरफेक्शन को यू नो हाइड कर देता है. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बहुत थोप थोप के मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, देन ओनली आपके फेस पे वो सूट करेगा. बट मैक का जो फाउंडेशन है दैट विल सूट ऑल स्किन टाइप्स. उसके बाद मैं जो दिखाने वाली हूँ, दिस इज अनदर ऑफ माई कल्ट फेवरेट्स, तो वो है ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. रिसेंटली मैंने इस पर रिव्यू भी किया था, अगर आपको वो रिव्यू देखना है तो मैं यहाँ ऊपर लिंक कर दूंगी एंड नीचे भी दे दूंगी, तो आप जाके ज़रूर देखना. तो ये वाला फाउंडेशन है, ये भी बहुत ही अच्छा है, यू नो. एंड द वेरी गुड थिंग इज़ कि ये आपको फ्लैशबैक नहीं देता, अगर आप रात को भी इसको लगाते हो तो दैट्स अ रियली गुड थिंग. एंड फोटोज़ में ये काफ़ी अच्छा दिखता है, स्पैचुला के साथ आता है. मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये बहुत ही यू नो थिन है, बहुत ही पतला है, लाइक काफ़ी अच्छा है. ये देख रहे हो बिल्कुल हाइड कर देता है हर चीज़ को, एंड इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है. एक्चुअली इसका जो टेक्सचर है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू मेबेलिन फिट मी, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि समर्स है और अगर आपकी वेडिंग समर में हो रही है तो आपको ये वाला फाउंडेशन ज़्यादा सूट करते हैं. कॉम्पैक्ट की, कॉम्पैक्ट क्यों चाहिए होता है, ताकि जो आपने सारी लिक्विड चीज़ें अपने फेस पे लगाई है उसको अच्छे से सेट करने के लिए यू नीड कॉम्पैक्ट. अगेन आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू, जो कि वन ऑफ द कल्ट फेवरेट्स है सब लोगों के, तो मैं उन्हीं में से आपको दिखाऊंगी. तो वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, आई मीन इन तीनों पाउडर में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है ये लैक्मे 9 to 5 का फ्लॉलेस मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट, एंड माई शेड इन इट इज़ आमंड मैट. एंड ये ऐसे एक अच्छे से मिरर के साथ आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है. मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, काफ़ी लाइट और सॉफ्ट पेट है. एंड गाइज ये बहुत पिगमेंटेड है, लाइक ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. अगर आपको मन नहीं कर रहा है फाउंडेशन वेयर करने का, तो आप सिर्फ इसको भी वेयर कर सकते हो, बट वन थिंग कि आपको इसको इस पफ के साथ वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको ये फुल कवरेज देगा. उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फेवरेट थिंग है, वो है ये रिमेल का स्टे मैट पाउडर, एंड आई एम इन द शेड वॉर्म हनी, एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद है. हाँ, इसके अंदर आपको मिरर नहीं मिलता है, बट दिस इज़ लाइक रियली गुड. एंड ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पाउडर है, कवरेज मुझे लैक्मे वाले की पसंद है, लेकिन मुझे इसका जो टेक्सचर है बहुत पसंद है. इस पर कोई एज सच कलर नहीं दिखेगा आपको, बट आपके फेस को ये काफ़ी मैट रखता है, और काफ़ी देर तक आपके फेस को ना ये मैट रखेगा. उसके बाद बात कर लेते हैं एक ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर की जो आई थिंक सबके पास होता है, वो तो ये है ये मेबेलिन सुपर फ्रेश वाइटनिंग प्लस फ्रेशनेस कॉम्पैक्ट. आई डोंट बिलीव इन द वर्ड वाइटनिंग, बट दिस इज़ अ रियली नाइस कॉम्पैक्ट, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है. एक्चुअली ये ब्रांड न्यू है, इसलिए मैं इसको खोलूंगी नहीं, बट इसका टेक्सचर काफ़ी बहुत अच्छा है, आई मीन काफ़ी सिमिलर है लैक्मे वाले से, तो मुझे ये बहुत पसंद है. आई शेडो की तरफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज अगर आप फंक्शंस अटेंड करोगे, आपके खुद के फंक्शंस होंगे, कि आपको ऑन योर वेडिंग डे ही रेडी होना है, तो यू नीड आई शेडो. तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी. एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मैं इसके अंदर कोई लोकल ब्रांड नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, जैसे कि सिवाना, किस ब्यूटी या समथिंग लाइक दैट. मैं इसके अंदर ब्रांड्स इंक्लूड कर रही हूँ, जो कि आपको हर जगह मिल जाएंगे, मतलब नायका पे आपको मिल जाते हैं, एंड स्टोर्स पे भी आपको मोस्ट ऑफ दीज आइटम्स विल बी अवेलेबल इन दी स्टोर्स एज वेल. तो आई शेडो की बात करते हैं, तो मैं आपको ऐसे वैसे आई शेडो नहीं बताऊंगी, मैं ऐसे आई शेडो बताऊंगी जो कि वर्थ है बाय है, क्योंकि अगर आप एक बार आई शेडो ले लेते हो तो क्या होता है कि वो काफ़ी साल तक चलते हैं. तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि रिकमेंड करना चाहती हूँ, वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन का एंजल लाइक आईज पैलेट, एंड दिस लुक्स लाइक दिस. दिस इज ब्यूटिफुल कार्डबोर्ड पैकेजिंग, एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब अगर आप इसको ऑफ पे लोगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज हाउ द एक्चुअल पैकेजिंग लुक्स लाइक. काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी सारे कलर है इसके अंदर. सो या, ये सारे कलर्स हैं. अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा यू विल नीड एनी अदर कलर, एंड यू आर गेटिंग अ गुड बिग साइज मिरर हेयर, एंड
रियली नाइस पैलेट एक्चुअली, बट वन डाउन पार्ट इज कि इसके अंदर ना कोई मैट शेड नहीं है, मतलब आपको कोई मैट मैट शेड नहीं मिलेगा. तो बस मुझे यही चीज़ इस पैलेट की अच्छी नहीं लगती. आई विश कि इसके अंदर एक मैट शेड होता. बट अगर आप सैटनी या फिर शिमरी शेड्स देखना चाहते हो अपनी मैरिज के लिए, वेडिंग के लिए, तो दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट पैलेट. उसके बाद वाला जो पैलेट मैं आपको दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है इससे, तो वो है ये फेसेस का अल्टाइन, तो वो है ये फेसेस का अल्टाइन प्रो पैलेट, एंड दिस इज इन द शेड रोज गोल्ड. एंड आई जस्ट लव दिस पैलेट बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन इतनी सुंदर है गाइज, लाइक इतनी सुंदर पिगमेंटेशन है. इसमें एक और आता है न्यूट्रल वाला, आप वो वाला भी ले सकते हो. इसके अंदर आपको पिंक मिल जाता है, ऐसे ये कॉपरी शेड मिल जाता है, एंड देखो कितने सारे मैट शेड्स भी यहाँ पे. तो आपको दो मैट शेड मिल जाते हैं, यहाँ ये वाला शेड भी मैट है, एंड इनके पिगमेंटेशन भी बहुत ही सुंदर है. लाइक सारा नहीं स्वॉच करूँगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, बट लुक एट द पिगमेंटेशन, लाइक आई लिव फॉर दिस पिगमेंटेशन, आई जस्ट लव दिस. लास्ट पैलेट जो है, जो कि सबसे सस्ता पैलेट है, ओनली 500 रुपीज़ का आ जाता है, वो ये वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन पैलेट. और मेरा शेड इसके अंदर न्यूट अवेकनिंग है. इसमें और दो तीन शेड्स आते हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा कलर्स आते हैं. एक लव इन द एयर करके पैलेट है, दैट इज सेट टू बी दी परफेक्ट ड्यू फॉर एनेस्थेसिया बेवरली हिल मॉडर्न रेंसा पैलेट, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो. बट फॉर एवरी डे और यू नो थोड़ी स्मोकी लुक्स क्रिएट करने के लिए आप ये वाला पैलेट यूज़ कर सकते हो. ये भी काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है. मैं आपको एक स्वॉच दिखा देती हूँ. एक्चुअली मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं लिंक कर दूँगी. जस्ट सी, आई मीन अगेन आई एम सेइंग आई लिव फॉर दीज थ्री पैलेट्स बिकॉज सीरियसली दीज आर दी बेस्ट पैलेट लाइक ऑफ माई लाइफ विच आई हैव कम अक्रॉस. कंसीलर्स की, तो कंसीलर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में बिकॉज क्या होता है दैट इन फंक्शंस, इन योर वेडिंग, इन योर ओन वेडिंग, यू आर सो टायर्ड कि यू नो डार्क सर्कल्स होना इज अ नॉर्मल थिंग. तो मैं आपको इसमें कलर करेक्शन पैलेट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आई थिंक दैट इज अ टू मच ज़्यादा. अगर आप एक बिगिनर भी हो एंड ये वाला मेकअप किट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. तो उसके लिए मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ अपने आपके खुद के स्किन कलर का एक कंसीलर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए मैं दिखाना चाहती हूँ आपको ये मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप. तो आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज रियली गुड एंड ये काफ़ी थिक है कंसिस्टेंसी में. तो अगर आपकी ड्राई अंडर आइज है तो उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है. एंड क्योंकि ये मेरा स्किन टोन है तो उससे क्या होगा, या आप थोड़ा डार्कर एक कलर डार्क जा सकते हैं अपने स्किन टोन से, तो उससे क्या होगा आपके जितने भी ब्राउन स्पॉट्स है या आपके जितने भी यहाँ पे अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं वो इससे ख़त्म हो जाएगा, पफी आइज अगर है तो. नेवर्थलेस आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू अ ऑरेंज कलर करेक्टर, वो भी मिस क्लेयर का आ जाता है. मैं नीचे सब कुछ लिंक कर दूंगी कि आप कहाँ से इसको बाय कर सकते हो, तो आप जाके वहाँ बाय कर सकते हो. तो ऑरेंज करेक्टर ले लोगे आप अगर, तो आपके जितने भी डार्क कहीं भी डार्कनेस है ना वो सब कुछ यू नो हाइड हो जाएगा. एंड ये दिस इज सो चीप, दिस इज जस्ट फॉर 275 rupees एंड आई थिंक दिस इज अ टोटल स्टील इन दिस प्राइस प्रोडक्ट. सो उसके बाद आपको चाहिए एक ब्राइटनिंग कंसीलर. ब्राइटनिंग कंसीलर क्यों चाहिए होता है, बिकॉज जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो तो आपका फेस जो है वो बहुत फ्लैट लगता है. जैसे हम ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं तो वैसे ही एक ब्राइटनिंग कंसीलर का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स इन द होल मार्केट आउट देयर, एंड ये काफ़ी अच्छा वाला है. तो आप इसको खरीद सकते हो. मेरा शेड इसमें मीडियम है, उसमें भी मीडियम था. एंड गाइस वन मोर थिंग, आप एले गर्ल प्रो कंसीलर भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी इसी के रेंज में आ जाता है. सो आई विल हाईली रिकमेंड दैट ऑल्सो. चलते हैं आई लाइनर पे. एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी बिग आई लाइनर पर्सन, तो मेरे पास इतने आई लाइनर्स नहीं है, बट स्टिल मेरे पास जो है मैं आपको बेस्ट चीज़ बताऊँगी. तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है ये कि आप एक जेल आई लाइनर लो. जेल आई लाइनर इसलिए बिकॉज वो आपको आई लाइनर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या आपको आप उसको वाटर लाइन में भी यूज़ कर सकते हो. तो मेरे पास है ये मेबेलिन का जेल लाइनर, तो ये काफ़ी अच्छा है. आई मीन यू नो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ही अच्छी है, एंड बहुत ही ब्लैक, डार्क ब्लैक है, एंड काफ़ी देर तक स्टे करता है. एंड आई थिंक यू मस्ट बाय अ जेल आई लाइनर बिकॉज दैट इज़ लाइक बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल्सो क्रैक नहीं होता, जो नॉर्मल लिक्विड लाइनर्स में क्रैक पड़ जाते हैं. उसके बाद जो मैं आपको अगला जो चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर. एंड आई नो कि ये इतना सस्ता है तो ये क्या टिकेगा, बट आई बेट यू गाइज आज जस्ट इसको ट्राई करो. आई होप आप सबने ने एक बार तो इसको ट्राई कर रखा होगा, तो दिस इज़ बेस्ट आउट देयर. ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ तो नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है.
और काजल अगर आपको नॉर्मल काजल पेंसिल देखनी है, जेल आईलाइनर तो आप ले ही लो, उससे आपका काजल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. बट स्टिल इफ यू वांट समथिंग इन द पेंसिल फॉर्म, सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस फेसेस का काजल, बिकॉज दिस इज रियली लॉन्ग लास्टिंग ऑन माई आईलिड्स. एंड एक्चुअली माई आईलिड्स आर रियली लाइक वाटर लाइन इज लाइक रियली सेंसिटिव एंड रियली वाटरी, सो दैट्स व्हाई आई डोंट पुट एनीथिंग इन माई वाटर लाइन, बट दिस वर्क्स परफेक्टली ऑन माई वाटर लाइन एज. के लिए एक्चुअली मैं आपको दो ऐसे मस्काराज बताऊंगी जो कि बेस्ट है एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है. उसमें सबसे पहला जो मस्कारा है वो है ये मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, एंड आई विल सजेस्ट यू टू टेक दिस मस्कारा बिकॉज दिस हैज़ अ रियली नाइस वॉन्ड. मेरा एक्चुअली ख़त्म हो गया है, देखो मतलब एक तरफ से आपको स्पाइक्ड एंड मिलता है एंड नीचे से आपको काफ़ी यू नो एक ऐसे कर्वी सा टेक्सचर मिलता है जो कि आपके आईलेट्स को बहुत अच्छे से, आई लैशेज को बहुत अच्छे से यू नो लिफ्ट अप करता है. सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट. सो आप ये वाला खरीद सकते हो. अदरवाइज देर इज़ वन मोर, वो है ये मेबेलिन का ही पुशअप फॉल्सीज ए ड्रामा. अगर आपके आई लैशेज बहुत हैवी हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे हैं, आपको उनको एक लिफ्ट देना है एंड वॉल्यूम नहीं तो लेंदन करना है, तो उसके लिए ये वाला मस्कारा इज रियली गुड. एंड इसका भी वॉन्ड जो आप देखोगे वो ऐसा सा है, स्पाइक्ड है बट एक फ्लैट है, तो उससे क्या होता है कि आप अपने इनर कॉर्नर्स पे भी ऑन द गो पे भी आप इसको ज़रूर यूज़ कर. ब्रॉन्जिंग पे स्लैश कॉन्टोरिंग पे सबसे पहली जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है ये मैक का ब्रॉन्जिंग पाउडर. एंड वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू गाइज, बिकॉज ब्रॉन्जिंग पाउडर काफ़ी ड्रग स्टोर में आई हैव सीन की बहुत अच्छा वर्क नहीं करता, बट ये वाला जो ब्रॉन्जिंग पाउडर है मैक वाला, अगर आप देखोगे मेरे स्किन टोन से वो डार्क है, बट यू नो काफ़ी अच्छा वर्क करता है. जैसा मैंने स्टोर पे उस दिन ट्राई किया था एंड दिस वर्क्स रियली नाइस ऑन माई स्किन. ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है मेरे स्किन को. एक्चुअली यहाँ पे शो अप नहीं कर रहा है बट ऑन माई चीक व्हेन आई हैव टू बिल्ड द इंटेंसिटी दिस शोज अप ऑन माई चीक. एंड ये काफ़ी यू नो बहुत ही ऐसा लगता है इट्स नॉट देयर बट देयर काइंड ऑफ ब्रॉन्जर. सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस ब्रॉन्जर अ लॉट. जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉन्टोरिंग स्लैश ब्रॉन्जिंग पाउडर है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोर पैलेट. जस्ट लुक एट दिस साइज गाइज, लाइक इतना बड़ा साइज है इसका. एंड इसमें क्या होता है कि आपको एक बनाना शेड भी मिल जा रहा है और आपको एक कॉन्टोरिंग शेड भी मिल जाता है. एंड दीज आर हेल पिगमेंटेड, लाइक हेल पिगमेंटेड. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सी, दीज आर लाइक रियली पिगमेंटेड. दीज गाइज आर माई लव, आई मीन आई लव दिस पैलेट एंड आई विल यू नो कंटिन्यू रीपर्चेजिंग दिस आइटम जब तक ये इंडिया से बाहर नहीं चला जाता. बट दिस विल नॉट गो आउट ऑफ इंडिया, आई एम श्योर ऑन दैट. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट लव दिस. अब हम ब्लश की बात कर लेते हैं. रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर अ ब्लश पैलेट, सो दैट क्या होता है कि ब्लश पैलेट में इतने सारे कलर्स होते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. जो मेरे दो फेवरेट ब्लश पैलेट्स, सबसे पहला तो है आपने देख आपको पता ही होगा दिस इज LA कलर्स ब्लश पैलेट एंड इसके अंदर तो हाईलाइटर शेड भी है, हाईलाइटिंग शेड भी है. एक्चुअली ये वाला बहुत अच्छा है तो एंड ये दिस इज़ वेरी इन एक्सपेंसिव. एंड इसके अंदर जो ये वाला कलर आपको दिख रहा है दिस इज़ लाइक आप अपने वेडिंग डे पे इसको यूज़ कर सकते हो. अगर आप थोड़े डस्क स्किन टोन के हो तो आप ये वाला यूज़ करो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो. एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्रॉन्जर, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बट अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो दिस कैन बी यूज एज अ ब्रॉन्जर, नहीं तो दिस कैन बी यूज एज अ वेरी नाइस हाईलाइटर. मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ. ओ माई गॉड, लाइक दे आर लाइक बैंग ऑन पिगमेंटेड. एंड ये भी एक हाईलाइटर शेड है जो कि काफ़ी अच्छा है. जस्ट सी, एंड अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो एक पीछे हाईलाइटर है विच विल सूट योर स्किन सो नाइसली. जस्ट सी, एक्चुअली इसको आप ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई जस्ट लव दिस पैलेट अ लॉट. सो नेक्स्ट अप जो आपको दिखाने वाली हूँ ये नायका का गेट चीकी ब्लश डुओ. मैंने इसको अपने फेवरेट्स में नहीं दिखाया था क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है ऐसे कलर्स आपको बाहर भी मिल जाते हैं, बट फिर मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो ये दीज आर लाइक रियली लॉन्ग लास्टिंग एंड दिस डज नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट. दैट्स वाई आई लव देम. इसके अंदर दो कलर आ जाते हैं. एक्चुअली मेरा जो शेड है वो है ये मालिबू बारबी, जिसके अंदर एक कोरल शेड आपको मिलता है, एक पीच शेड मिलता है. इनके पास और भी ऑप्शंस हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. दिस इज हाउ द कलर्स लुक लाइक, रियली प्रिटी कलर्स, समर अप्रोप्रिएट कलर्स. सो या तो अगर आप ऑन द गो पे हो तो आपको ये वाला जरूर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर दो मिल जाते हैं आपको एंड दोज आर लाइक परफेक्ट टू हाईलाइटर. हाईलाइटिंग इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू बी अ ब्राइड बिकॉज एवरी टाइम यू नीड दैट ग्लो ऑन योर फेस, सो यू विल नीड अ हाईलाइटर. तो उसके लिए मैं आपको अगेन पैलेट रिकमेंड करती हूँ क्योंकि पैलेट में यू गेट एन एरे ऑफ कलर्स एंड प्लस वो आपको चीप भी पड़ जाता है. सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा ब्लश पैलेट इन द शेड गोल्डन शुगर 2 एंड दिस इज रोज गोल्ड. एंड
ये ना ब्लश 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 ये ना ब्लश पैलेट भी आपको इसके अंदर एक कॉन्चोरिंग शेड भी मिल जाएगा. जैसे देखो ये है क्या है कि ये सारे ये वाला एंड दिस वन कैन बी यूज एज योर हाईलाइटर, दिस वन कैन बी यूज एज अ ब्लश, ये वाला मैं आई शेडो टॉपर की तरह यूज़ कर सकती हूँ. एक्चुअली दिस वन इज वेल यू कैन यूज एज अ ब्लश एंड ये दोनों जो शेड हैं ये कॉन्चोरिंग शेड है. अगर आप मेरे से थोड़े लाइटर हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो. एंड इफ यू माई स्किन यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस बिकॉज दिस ऑल्सो हैव अ नाइस पिगमेंटेशन, तो इसलिए मुझे भी ये वाला काफ़ी पसंद है. आपको मैं इस ब्लश की भी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ एंड दिस इज लाइक माई फेवरेट हाईलाइटर दिस वन, जस्ट सी रियली गुड, लाइक दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट्स वाई आई जस्ट लव इट. नेक्स्ट अप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये नायका का ग्लो गेटर हाईलाइटर एंड मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इसके अंदर भी अगेन दो शेड्स है. एंड वो वाला जो हाईलाइटर था मेकअप रिवोल्यूशन का दैट वॉज लाइक रियली बैम एंड बैंग ऑन हाईलाइटर, तो ये वाला जो मैंने स्वॉच किया था तो ये दीज आर लाइक ब्लाइंडिंग हाईलाइटर्स. बट अगर मैं नायका की बात करूँ दिस इज़ नॉट ब्लाइंडिंग बट दिस इज़ दिस हैज़ अ वेरी नाइस टेक्स्चर टू इट जो कि आपके स्किन को बहुत ज़्यादा यू नो फ्रेश और काफ़ी अच्छा फील कराएंगी. इसमें भी मैंने रिव्यू कर रखा है, आई विल लिंक इट हियर. एंड ये जो मेरा शेड है ये है, इसके अंदर मेरा शेड है नायका ग्लो गेटर हाईलाइटर डुओ इन द शेड ग्लिटराटी 2, दिस इज रोज गोल्ड एंड दिस इज ब्लॉन्ड गोल्ड. एक्चुअली मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, दिस इज रोज गोल्ड एंड दिस इज ब्लॉन्ड गोल्ड. मैं एक्चुअली ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, दिस आई डोंट यूज़ दैट मच बट दिस हैज़ अ रियली नाइस फिनिश. आई मीन काफ़ी पसंद है मुझे, इतना ब्लाइंडिंग नहीं है बट दिस गिव्स अ रियली नाइस यू नो. ये देखो अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए हो तो आपको ये वाला पैलेट लेना चाहिए बिकॉज इसके अंदर एक गोल्डन हाईलाइटर है जो कि दिस इज अ रियली नाइस हाईलाइटर फॉर डार्कर स्किन टोन. मेरे पास आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर यू गाइस, लाइक बहुत सारे आप सोच भी नहीं सकते हो. स्टार्ट करते हैं रेड लिपस्टिक से, स्टार्ट करते हैं जो कि मेरा सबसे फेवरेट लिपस्टिक है, वो है ये मैक का रूबी वू. एंड वी ऑल नो लाइक एक मैक लिपस्टिक तो यू नो सबका सपना होता है. इफ़ लाइक अगर आप ज़्यादा हायर ब्रांड्स में नहीं इन्वेस्ट करते तो आई वुड रियली सजेस्ट कि जस्ट इन्वेस्ट इन मैक लिपस्टिक क्योंकि जस्ट सी I just really like it so much. This has a, such a nice, you know, finish to it. And that's why I like the MAC lipsticks very much. And एक similar lipstick अगर आपको दिखाऊँ जो कि MAC के बहुत comparable है वो है ये Maybelline का Lip Gradation. I'm also having the Lip Gradation on my lips today. And my, this is like, you know, favorite lipsticks होगी. This is so creamy and the color is like so much comparable to MAC's Ruby Woo. And that's why I really like this. And actually Maybelline के जो lip gradation जो collection है that has an array of color and I think Maybelline का one of the best formulas are the lip gradation. Not at all dry, not at all flaky and really last long lasting. उसके बाद जो मैं आपको और कुछ options दिखाना चाहती हूँ वो है ये Wet n Wild का catsuit lipstick and liquid lipstick and this is also really nice. Actually मैंने इसके बारे में बात की थी अपने lipstick में, टॉप 5 लिपस्टिक्स में, आप यहाँ लिंक कर दूंगी, वहाँ जाके आप इसका स्वॉच देख लेना. दिस इज रियली गुड एंड इफ यू आर समवन हु लव्स पीचेस एंड कोरल्स एंड समथिंग न्यूट शेड कलर्स तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो शेड रिकमेंड करूंगी वो है नायका पेंट स्टिक इन द शेड पीचेस एंड क्रीम. ओके, नायका का पेंट स्टिक इन द शेड पीचेस एंड क्रीम्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस लिपस्टिक. एक्चुअली मैंने इसको अभी बाय किया था जब नायका सेल पे था. And just see this one. Really nice color and really universally flattering color. तो आप इसको ज़रूर use कर सकते हो. This is very good. उसके बाद अगर आप थोड़ा orangish nude देखना चाहते हो मुझसे थोड़ा सा you know fair lighter skin tone हो तो just go for this lipstick. This is a Maybelline Inti Matte in the shade chili nude. And this is the swatch here. Just see, थोड़ा सा similar है इनका swatch but this is on the मोर ऑन दी ऑरेंजिश साइड. सो आप ये वाला लिपस्टिक ज़रूर ले सकते हो. एंड उसके बाद अगर आप पिंक लिपस्टिक फैन हो तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी नेल्फ का किस प्रूफ लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस अगेन हैज़ अ रियली नाइस कलर टू इट एंड इसका टेक्स्चर भी मुझे काफ़ी पसंद है. दिस वन इज दिस स्वॉच, दिस इज अ वेरी नाइस पिंक फूशा कलर. सो आप ये वाला ले सकते हो. एंड फॉर न्यूट लिपस्टिक वन मोर मेरे पास है वो ये मैक का वर्ल एंड यू नो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट फार्मूलाज ऑफ द लिपस्टिक जो कि मैंने यूज़ किया. इसको मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ. लेट मी स्वॉच इट हियर.
Okay, so this is what the color looks like. This does not have any kind of pinkish undertone. This is really true brown undertone. So if you don't like the pink undertones, matte nude lipsticks, you can definitely buy MAC Whirl. And this is because I also wanted to include the brushes, but I realized that it will be a very big video. So I will show you the last thing, which is a makeup setting spray. But I don't have any makeup setting spray because I am using the Kiss Beauty one. But I am planning to buy the Makeup Revolution makeup setting spray. That is really good. I have heard so many good things about that setting spray. So yes guys, with this I come to an end. I hope aapko enjoy aapne kiya ho is video ko dekhne se, aapko kuch help hui ho and aapko acha laga ho ki jo main aapko show kiya hai. Actually main brushes aur tools include nahi kar rahi hu isme, uske liye main ek alag sa video banaungi, bahut badi video ho jayegi and I don't want that. So yes guys, with this I take your leave and I'll see you guys in my next video. So till then, bye bye, love you guys.